इन इलाकों में अगर आना है कैंपिंग करनी है तो ये साथ लाना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ सालों पहले इसने बताया था कि कुछ लोग आए थे, उन्होंने कैंपिंग की थी रात रात को इस पहाड़ के पीछे, कोई स्थानीय है तो उन्होंने आकर उनको लूटा भी था रात को और एक बंदे को ज़ख्मी भी किया था, तो ये चीज़ भी ज़रूरी है इस इलाके के लिए। ये नारान का होटल है और कोरोना की वजह से नारान बिल्कुल वीरान है। आपको दिखाते हैं नारान का व्यू, जुलाई की आज 16 तारीख है, अड़के 15 तारीख तक है, 16 दे 15 दे जुलाई की 15 तारीख है और तकरीबन रात के 10 बज रहे हैं और ये नारान के हालात हैं। ये देखें, रोड बिल्कुल सुनसान, मार्केट बिल्कुल सुनसान। तो जो लोग नारान आते रहते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि इस टाइम यहाँ पर कितना रश होता है रोड के ऊपर। कहते हैं कि मंजिल जितनी खूबसूरत हो उसको पाने के लिए उतनी ही मेहनत दरकार होती है। अगर इस बात का अमली नमूना आपने देखना हो तो चलें हमारे साथ एक खूबसूरत मंजिल की तरफ जिसका नाम है दूधी पथ। इस वक्त नारान में हैं हम बाज़ार के अंदर और जो लोग नारान आते जाते हैं वो देख सकते हैं कि इतना वीरानी यहाँ पर कभी भी नहीं हुई होगी। बिल्कुल रोड खाली है, सुबह के तकरीबन 8:45 बज रहे हैं। रात को भी मैंने एक वीडियो की थी, वो रात को भी बिल्कुल सुनसान था और अभी भी बिल्कुल सुनसान है। होटलों में भी कमरे खाली हैं, सारा कोरोना की वजह से। अभी हम जा रहे हैं इंशाल्लाह बीसल से फिर देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। आगे जाना है हमने रती गली तक, देखते हैं 3 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं, जितने भी लगते हैं इंशाल्लाह आपको सारे इलाके दिखाएंगे। ये कहानी है दो ट्रैवल गर्दों की जो चले थे पहाड़ों में घूमने 11 नंबर गाड़ी में। 11 नंबर समझते हैं ना, पैदल। और घूमने भी किधर, दूधीपत झील, सरल लेक और नूरी टॉप से होते हुए रती गली। पैदल पैदल पहाड़ों में अकेले कैंप में रात गुजारते। क्या वाकई इस लेवल की ट्रैवल गर्दी इनके बस की बात है, चलें देखते हैं। अच्छा जी, अभी हम बीसल से निकल रहे हैं। ये होटल है, आपको दिखा दूं, ये मून रेस्टोरेंट बीसर में। यहाँ पे आप गाड़ी खड़ी करेंगे, एंट्री करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो घोड़ा लेके जाएं या लोकल गाइड लेके जाएं। अभी हमने पंगा तो ले लिया है, अल्लाह खैर करे, देखते हैं क्या होता है। बस आपको रास्ते में जगह जगह थोड़ी सी वीडियो दिखाएंगे। मुल्ला की बस्ती तक जाते हैं, वहाँ स्टे करते हैं और उसके बाद कल दूधीपत लेक जाएंगे। दूधीपत झील जितनी खूबसूरत है उसका रास्ता इतना ही थका देने वाला है, इसलिए बेहतर है कि आप रात बीसल में ही गुजारें और सुबह सवेरे नाश्ता करके और अल्लाह का नाम लेकर दूधीपत के लिए रवाना हो जाएं। बीसल नारान से 1 घंटे की दूरी पर वाकई है। ये दूधीपत झील का बेस कैंप है और यहाँ पर आपको मून रेस्टोरेंट पर खाना और रात गुजारने की जगह भी मिल जाती है। जो लोग अपनी गाड़ियों में आते हैं वो अपनी गाड़ी भी यहाँ कई कई दिनों तक खड़ी करके जा सकते हैं। मून रेस्टोरेंट से निकलते ही आपको एक छोटी सी पुली मिलती है जिसमें बैठकर आप पानी को पार करते हैं। शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए, आगे आगे देखिए होता है। अच्छा यार, एक छोटा सा ब्लेंडर हो गया, ये जो माइक है ना मेरा वायरलेस माइक, उसका रिसीवर पता नहीं इससे कहीं गिर गया है या मैं कहीं भूल आया हूँ। अभी मैं गया था पीछे वापस गाड़ी की तरफ भी, गाड़ी में भी देखा नहीं था और जहाँ गाड़ी जिस होटल में पार्क की उस होटल के रिसेप्शन में गया, इधर उधर गया, उसका रिसीवर नहीं मिला। अब पता नहीं कहीं रास्ते में गिर गया है या नारान में भूल गया हूँ, लेकिन
ये है कि अब जो माइक वाली रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, जो गोप्रो का अपना माइक है उसी के अंदर रिकॉर्डिंग होगी। अब देखते हैं पता नहीं आवाज़ कैसी आती है। चलो इसमें भी खैर होगी। तो शुरुआत हमने कर ली है, बीच में थोड़ी बारिश हो रही थी तो हमने बरसाती रेनकोट पहन ली। अभी बारिश रुक गई है, धूप निकल आई, तो बस हमने बरसाती रेनकोट पहना हुआ है। जब भी बारिश शुरू हो जाए तो हम चलते रहेंगे। ये व्यू है अभी, इधर हम रेस्ट करने के लिए तकरीबन आधा घंटा या 25 मिनट हमने तय किया है और अभी थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बैठ गए हैं। इंशाल्लाह इसी तरह जाएंगे, थोड़ा 15-20-25 मिनट चलेंगे, फिर 5 मिनट रेस्ट, 15-20-25 मिनट चलेंगे, 5 मिनट रेस्ट करेंगे और इस तरह इंशाल्लाह करते करते आज मुल्ला की बस्ती तक पहुँच गए। थोड़ी देर आराम कर रहे हैं, बस अभी उठते हैं। और ये पीछे जो हम बैग है इतना भारी हाइकिंग बैग, इसकी वजह से बहुत जोर लग रहा है, स्टेमिना बहुत चाहिए। चले आराम आराम से चलते हैं। यार मुझे तो आदत है कॉलर माइक की, उसके अंदर तो आराम आराम से बोलना पड़ता है। अभी माइक नहीं है तो बहुत ऊंचा ऊंचा बोलना पड़ेगा। अभी एक वीडियो मैंने बनाई, उसकी ऑडियो सुनी तो पानी का बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था और मेरी आवाज़ बहुत कम थी। पहले तक है यार, आवाज़ भी ज़्यादा निकालनी पड़ेगी। अल्लाह खैर करे, अभी देखते हैं क्या होता है। मर गए। सफ़र शुरू में तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन आगे जो सरप्राइज मिलने वाले थे उसका हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। अभी थक गए हैं दरिया किनारे, थोड़ा सा बैठे हुए, 4 घंटे का या 5 घंटे का रास्ता रहता है। अल्लाह करे खैर करिए से पहुंच जाए, तो मसला ना हो। जी शादे भाई, आपका कोई मसला हो गया बूट में? बूट हल्का हल्का फट गया है मेरे ख्याल। बस गलती की ग्लेशियर की वजह से। एक साथ अभी आहिस्ता आहिस्ता पता लग रहा है क्या क्या चीज़ें लानी चाहिए थी। एलपी के 5-6 डब्बे लाने चाहिए थे, हमारे पास एक ही है, और एक्स्ट्रा जूते भी रखने चाहिए थे, लेकिन बस इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। यार पंगा ले तो लिया है, लेकिन बहुत मुश्किल काम है भाई ये। अभी पानी भी ख़त्म हो गया हमारा, तो ये शाज़ीर ग्लेशियर से पानी भर रहा है। ये आपको व्यू भी दिखा दूँ लगे हाथों, ये व्यू है भाई रास्ते में। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं, कुछ भी रास्ते में हमें मिल रहे हैं, उनसे पैदल नहीं चलने हो रहा, घोड़ों पे सामान रख के पैदल जो है वो तो मरने वाली हालत हो गई। हमारे पास तो 15-20 किलो का बैग है, उसके साथ हमारे लोग कह रहे हैं कि आ कैसे रहे हो तुम। बस ये जो भी आए आइंदा घोड़े वाले 2500-3000 रुपये लेते एक दिन के, सामान घोड़े पे रख के फिर आराम से आओ। हम तो थोड़े हमारे पैसे कम हो गए थे, एटीएम भी नहीं था इधर, वरना मसला ही था वापसी पे आके एटीएम से निकाल के देते, तो ये थोड़ा मसला है। तो इसलिए हमने कहा चलो हिम्मत करते हैं, वरना जो कोई अगर आए तो 3000 रुपये एक दिन के घोड़े के हिसाब से वो अलग से लेकर आए। चलो अभी चलते हैं यार, शाम ना हो जाए, नमाज भी पढ़नी है। एक बंदा हमारे साथ तैयार हो गया, सामान उसने उठा लिया,
1500 रुपये दिन के, जितने दिन भी हम रहे। और उसको हम पैसे वापस, उसको हमने कहा कि वापस तुम्हें नारायण लेके जाएंगे, वहाँ कोई बंदोबस्त करेंगे, तुम्हें पैसे वहाँ देंगे। तो सामान अभी उस पर डाल दिया, अभी ऐसा लग रहा है कि हवा में उड़ रहा हूँ मैं। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की सामान के साथ। उधर बेसल से कोई तैयार नहीं हो रहा था, वरना बेसल से ही हम आ जाते, कोई तैयार हो जाता ना कि वापसी उसको हम नारायण साथ ले जाएंगे, पैसे उसको उधर देंगे, कोई तैयार नहीं हो रहा था। तेरे चेहरे को बख्शेंगे ज़िंदगी, तेरी जुल्फे पर शाह सजा देंगे हम, तेरी जुल्फे पर शाह सजा देंगे हम। रास्ते में आपको 2-3 ग्लेशियर से भी वास्ता पड़ता है, इसलिए जूते ऐसे पहने जो फिसले नहीं, वरना इन हसीन वादियों से आप मौत की वादियों में भी जा सकते हैं। अच्छा यार, सामान अलग हुआ है ना, तो अभी दिमाग काम करना शुरू हो गया, वरना तो दिमाग काम करना छोड़ गया था। मुझसे अभी तक एक वायरलेस माइक का रिसीवर, एक अदर सनग्लासेस गुम चुके हैं, और मोबाइल भी घूमते घूमते बचा है। तो भाई जो भी आए, सामान के साथ हाइकिंग का मत सोचे, घोड़े को दे सामान और अपना इजी होके, उसकी अकल भी काम करेगी और उसको खूबसूरती का भी पता चलेगा। अभी मुझे पता चल रहा है कि जगह खूबसूरत है। पहले दिन हमने शाम को पहुंचना था मुल्ला की बस्ती, मगर हम चूंकि 30 किलो सामान के साथ चल रहे थे, इसलिए हमारी हिम्मत जवाब दे गई और हम रास्ते में ही एक खेमे में रुक गए। अगरचे टेंट था हमारे पास, मगर वो इस इलाके के लिए सही नहीं था। ये ट्रिप हमने जितना इजी लिया था, उसका खमियाजा अब हर गुजरते लम्हे हमें भुगतना पड़ रहा था। इसलिए आप जब भी कैंपिंग के लिए जाएं, तो मुकम्मल मालूमात और बेहतरीन इक्विपमेंट के साथ जाएं। अगले दिन क्या हुआ, क्या हमें मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्या हम रत्ती गली पहुँच सके, ये सब और इसके अलावा बहुत कुछ जानने के लिए देखते रहें ये सीरीज। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐ वतन दिल की धड़कन में शामिल।